नमस्कार, मैं अजित परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा की खास कवरेज में हम आज मौजूद हैं धौलपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर बना एक अपने अद्भुत चमत्कार लिए हुए महादेव शिव मंदिर सेपो, जिसकी जो चमत्कारिक व्यवस्था है उनको हम आज दिखाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से महादेव मंदिर पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उसको हम आज दिखाने का प्रयास हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको आज करेंगे। इस तरीके से शिव भक्तों की भीड़ का जो सैलाब है वो आप तस्वीरों से देख सकते हैं। किस तरीके से हम इसके मुख्य द्वार पर मौजूद हैं, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ का जमावड़ा है वो यहाँ देखा जा रहा है। जिस जो श्रावण महीने के लेकर के एक श्रद्धालुओं में जो जोश दिखाई दे रहा है वो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारिक है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये स्वयंभू शिवलिंग अपने आप में विशेष है, जिस तरीके से ये स्वयंभू महादेव मंदिर अपने आप में विशेष है, ये इसी स्वयंभू शिवलिंग की चमत्कारिक है। ये लगभग 700 वर्षों पूर्व का ये शिवलिंग यहाँ मौजूद है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। चंबल प्रभा आपको लाइव तस्वीरें स्वयंभू शिवलिंग सेंपो की आपको दिखा रहा है। इनका जो परिवार है वो पीढ़ी से पीढ़ी महादेव मंदिर की पूजा में लगा हुआ है। इनकी जो आस्था है वो अपने आप में विशेष हो जाती है। और हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके की जो श्रद्धालुओं में जोश जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से इस महादेव मंदिर का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र जिस जो कावड़ आ रही है जो पद यात्रा लेकर के, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सब हमारी तरफ बहुत बहुत स्वागत है आपको। सबसे पहले जय भोलेनाथ जी की। सबसे पहला ये सफल रहेगा कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा देखी जा रही है इस सावन के महीने में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये भगवान भोलेनाथ का असीम अनुपम पाए जो कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और ये अगली बार जो सावन मास का जो महीना है इसमें 5 सोमवार है और ये तीसरा सोमवार है सावन मास का। और इसमें सर्वप्रथम ये है कि कांवड़ियाँ आ रही है, बेलपत्र किए जा रहे हैं भोलेनाथ जी के, क्योंकि ये प्राचीन शिवलिंग है और ये स्वयंभू है जो कि जमीन से स्वयं निकला है। और ये भगवान 1305 संवत में ये शिवलिंग निकला हुआ था। भगवान मानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में इसकी स्थापना की थी। जब वो स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो यहाँ का जो प्रांगण है इसको गंडक वन बोलते हैं, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और उनके साथ उनके गुरु श्री विश्वामित्र जी थे, उसको गंडक वन बोलते हैं। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने तारिका का वध किया था। तारिका का वध करने के बाद भगवान शंकर जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी ने और एक शिवालय न देखते हुए एक पाषाण की शिला लेकर के और उस पर प्राक्षेप किया था। यह वही शिवलिंग है जो कि इसको श्री राज रामेश्वर सैफी झूला जी के नाम से मानते हैं। और यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी होती है। सावन मास में महाशिवरात्रि का इसमें एक महीने का मेला लगता है और सावन मास में भी एक महीने का मेला लगता है जो कि भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण होती है। कांवड़ियाँ कांवड़ लेके आते हैं, दंडवत वाले दंडवत देते चले वहाँ के कलकंडा वाले भगवान शंकर जी को भंगा भांग और यहाँ पर भंडारे वगैरह रुद्राक्ष अनुष्ठान महामृत्युंजय का अनुष्ठान यहाँ पर चलता रहता है, जिससे कि भगवान शंकर जी की कृपा बनी रहती है जिसमें दुख सुख और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। कांवड़ यात्रा है वो यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र बनी हुई है। लगभग हर सोमवार को कितनी कांवड़ यहाँ आ रही है? यहाँ कांवड़े तो सिर्फ 1400 को कांवड़े आए थे, कम से कम 300-400 कांवड़े और सोमवार को 100 कांवड़े आती है। यहाँ जो ये कांवड़ है ये डाक कांवड़ सबसे ज्यादा आ रही है इस समय, और जो ये कंधे वाली कांवड़ है वो थोड़ा कम है। और साल के हिसाब से देखा जाए तो जो डाक कांवड़ों का प्रचलन चला है वह अत्यधिक चला है, उसकी संख्या अत्यधिक है। अब हमारे साथ मौजूद है श्यामवीर सिंह परमार शिक्षाविद के तौर पर और ये अपने भक्ति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से शिव महादेव मंदिर की जो महिमा है वो तो किस तरीके से आप देखना चाहते हैं उसको। सबसे पहले मैं अपनी कविता के माध्यम से भगवान की भक्ति की आराधना स्वरूप चार पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा कि नहीं उम्मीद है हमको ना कोई सहारा है, ना उम्मीद है हमको ना कोई सहारा है, किनारा कर लिया सबने जो कोई हमारा है, भरोसे नाथ के रहकर सदा दरबार में रहते, भरोसे नाथ के रहकर सदा दरबार में रहते, सदा ही शिव हमारा था सदा ही शिव हमारा है। ये भोले बाबा की ऐसी भक्ति है। हम लोग दरबार महादेव
आपके दरबार में सभी बैठी रहती हैं, सबका कृपा बरसती रहती है। मैं आपको बता दूं कि यह स्वयंभू शिवलिंग है और यह त्रेता युग और उससे पूर्व का भी यहाँ माना जाता है, भगवान राम के समय से माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल से बहुत पहले से ही लोग दूर दराज से आकर के पूरे देश से आकर के यहाँ काम कराई जाती है। यहाँ लोग अपनी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी के साथ जय जय महादेव, हरा महादेव, जय भोले सरकार, जय शंभू सरकार। क्या कहना चाहेंगे महादेव बाबा के मंदिर को लेकर के? क्या कहना चाहेंगे आप महादेव बाबा के मंदिर को लेकर? भोले बाबा की कृपा है, आराम से जा रहे थे। महादेव मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में इस समय इंचार्ज राजेश सिंह एएसआई थाना सैंपो लगे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या यहाँ कितने जवान तैनात किए गए हैं। जगह जगह जाप्ता लगाया है, मेन गेट पे भी लगा गया है जिससे बाहर जो वाहन है भारी वाहन नहीं प्रवेश करे, जिससे जाम की स्थिति नहीं हो और बाजार नहीं है। मंदिर के गेट के बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह जाप्ता तैनात है और श्रद्धालुओं की भीड़ है तो इसलिए उसको देखते हुए जाप्ता लगाया। आपातकालीन व्यवस्था अगर कुछ होती है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? उसके लिए ऐसे कोई नहीं है, आपातकालीन व्यवस्था के लिए भी सभी है, साधन संसाधन है, जो भी होगा उससे भी मिलेगा। कितने लोगों की भीड़ आने की संभावना व्यक्त की गई थी? अभी भीड़ तो होती है, हर सोमवार को होती है और आगरा यूपी के लोग आते हैं, जैसे भीड़ है वैसे भगवान के दर्शन करने तो सभी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है और पूरी तरीके से जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की चुस्त दृष्टि देखी जा रही है और इस तरीके से ये सैपो महादेव मंदिर अपने आप में विशेष होता जा रहा है। देख सकते हैं डाक कांवड़ा का जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ सैपो महादेव मंदिर अपने आप में विशेष हो जाता है। जो कांवड़ी है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि कितने घंटों में और कहां से ये कांवड़ आ गई है। हमारे साथ कुछ कांवड़ी है, उनसे हम बात करेंगे कि कितने घंटों में यहां से आप लाए। कितने घंटों में आप यहां आए, कहां से लाए इसको? हरिद्वार से। कितनी दूरी हरिद्वार और सैंपो के बीच में? 600 किलोमीटर। 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में देखी आप? हमने 1:30 पर हमने वहाँ से कामन को उठाया था परसों, यानी कि परसों कितनी तारीख घंटे में आ गई? 2 तारीख को हमने 1:30 पर उठाया था कावड़ में आगे। हम साढ़े 3 तारीख को और 4 तारीख को हम 6 बजे के करीब हमने कहाँ के रहने वाले हो? हम रामपुर के रहने वाले हैं। कहाँ पड़ता है? ये धौलपुर के बीच। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ महादेव मंदिर सैपो पर अपनी डाक कावड़ को लेकर आ रहे हैं और हरिद्वार से और यहाँ तक का जो सफर 28 घंटों में तय किया अपने आप में विशेष हो जाता है। और कुछ कावड़ी है इस कावड़ यात्रा में जो पैसा खर्च होता है, कितना खर्चा आया अभी? करीबन 90,000 1 लाख के करीब आ जाता है। कुछ मुश्किल भी हुई थी, 100-200 किलोमीटर पानी नहीं मिला था तो अपने आप ड्राम भर के लेके आए और यहाँ पर सब कावड़ यात्रियों से एक एक बोतल दी। देख सकते हैं कि एक श्रद्धा का भाव है वो अपने आप में विशेष है, क्योंकि लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसे के साथ साथ जो परेशानी है उनको भी उठाते हुए और यहाँ तक हरिद्वार से और यहाँ से आपको भोला तक 450 किलोमीटर की यात्रा तय करके और ये गांव कावड़ यहाँ पहुंची है और यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और यहाँ मंदिर दूर है, यहाँ से ये यहाँ तक जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो हमने दिखाने का प्रयास किया कि सैंपो महादेव की जो अपने आकर्षण का केंद्र बनी डाक कावड़िया और पूरी जो जनता का सैलाब था उसको दिखाने का प्रयास किया। मैं अजीत प्रयाग, कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ चमल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार। बाबा को बताओ।